तो ये चीज आपको पसंद है, ठीक है। देखो पसंद होना और वो चीज अच्छे से आने में फर्क होता है, समझो, समझ में आया? पसंद होने में और वो चीज अच्छे से आने में फर्क होता है। सो आई रियली लव क्रिकेट, मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बैटिंग आती है। आई रियली लव डांसिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डांसिंग अच्छे से आती है। तो फर्क होता है, किसी चीज से प्यार होना और वो चीज अच्छे से आने में फर्क है। तो मुझे देखो बहुत सारी चीजों से प्यार है, लेकिन मुझे हर चीज अच्छे से नहीं आती है। और एक ऐसी चीज से प्यार है यानी कि बोलना, वो चीज मुझे अच्छे से आती है और उसी में मैंने करियर बना लिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर में मान लो आपको डांस से बहुत प्यार है और आपको डांस अच्छे से भी आता है, तो आपको अपना करियर उसी में परस्यू करना चाहिए, समझ में आया? अगर आपको सिंगिंग बड़ी अच्छी लगती है और आपको सिंगिंग आती भी है, आपने उसमें तालीम ली है, तो आपको सिंगिंग में जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, यू विल अर्न स्पेशली। तो समझो प्यार होना और वही चीज आने में फर्क होता है। आपको क्रिकेट से बहुत प्यार है, लेकिन खेलना आता कि नहीं आता? क्या फेस कर सकते हो या दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हो? क्या आप एंटरटेन कर सकते हो? क्या आप छक्के चौके मार सकते हो? समझ में आ गया? तो वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव द वर्क एंड एक्सपर्ट इन दैट वर्क। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। जरूरी नहीं कि जिस चीज से आप प्यार करते हो, द वन द थिंग दैट यू लव यू हैव द एक्सपीरियंस एज वेल, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको सिर्फ इतना ढूंढना है, यू हैव टू सर्च कि आपको किस चीज से प्यार है और क्या वो चीज आपको आती है। और अगर नहीं आती है, और अगर मान लो आप सीख जाओ, तो क्या पता वो आपको आ जाए और फिर उसमें आप पैसा कमा सकते हो। एक और बात, जरूरी नहीं है कि आपको जिससे प्यार हो वो चीज आती हो, पर अगर नहीं आती है तो आप सीख भी सकते हो ना। तो आप ये सोचो कि क्या आप उसको सीखना चाहते हो, सीख के उसको परफेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज आपको ड्रीम जॉब की तरफ लेके जाती है, ठीक है।